इंडिया में फिर से डिजिटल स्ट्राइक, जिसमें 54 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। लेकिन उसमें एक ऐसा गेम जो कि चाइना से कोई लेन देन ही नहीं था, फिर भी 54वां नाम फ्री फायर का आया। हाँ गाइस, आप सभी को पता है कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम फ्री फायर बन चुका था लास्ट टाइम 2020 में पबजी बैन होने के बाद। जब फ्री फायर आया तो हर बच्चे बड़े के मोबाइल में सिर्फ इंस्टॉल था फ्री फायर, उसे बहुत प्ले किया जाता था। लेकिन हाल ही में उसे बैन कर दिया गृह मंत्रालय ने। लेकिन क्यों बैन करना पड़ा ये आपको नहीं पता? हाँ गाइस, बहुत से लोग जो इसे नहीं जानते उन्हें इतना पता है कि बस बैन हो गया, बैन नहीं होना था। लेकिन मैं आपको आज पूरा एक्सपोज करूंगा कि क्यों फ्री फायर को बैन करना पड़ा एंड क्यों गृह मंत्रालय को 54 चाइनीज एप्स में फ्री फायर को शामिल किया। तो गाइस, आज सारी चीज मैं एक्सपोज करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमेशा मल्टीपल नॉलेज के साथ अपडेट रहे। सो गाइस, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो गाइस, हम बात कर रहे थे फ्री फायर की कि उसे क्यों चाइनीज एप्स में शामिल किया और उसे बैन कर दिया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार बहुत अच्छा गेम था, हम प्ले करते थे मोबाइल में। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता है कि गाइस उसे बैन करने का रीजन क्या है। सिर्फ आप उसे प्ले करना चाहते थे, नए नए वर्जन अपडेट करना चाहते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें हमारे साथ क्या हो रहा था, पूरे इंडिया के साथ क्या हो रहा था। गाइस, आपको ये नहीं पता है कि उस एप्स के थ्रू हमारे जो बैंक बैलेंस उस पर कितना बड़ा खतरा हो रहा था। तो गाइस, इसी की वजह से सरकार ने बैन किया। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तभी तो आप जान सकोगे कि उस एप्स को क्यों बैन किया है। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि वो चाइना ने नहीं, उसे अदर कंट्री सिंगापुर ने डेवलप किया था। हाँ गाइस, उससे चाइना से कोई लेन देन ही नहीं था, फिर भी उसे इंडिया ने बैन कर दिया। लेकिन उसमें क्या हो रहा था जिसकी वजह से गृह मंत्रालय को बैन करना पड़ा? तो गाइस, पता आपको, जब भी उस गेम को आप अपडेट करते थे, यानी कि जब भी उसमें नया वर्जन आता था तो अपडेट करने के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता था, तभी जाके आपका नया वर्जन अपडेट होता था। एंड अपडेट होने से क्या क्या बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे आपको गन हो गए, कपड़े हो गए, कार हो गए, बहुत सारी चीजें जो आपको उसमें अपग्रेड करना पड़ता। जब भी आप अपग्रेड करते तो आपको उसमें अमाउंट पे करना पड़ता था, यानी कि कुछ भी चीज अपग्रेड करने के लिए आपको एक परचेस करना पड़ेगा, तभी आप उस गेम को आगे और अपग्रेड करोगे, तभी आप जैसे बढ़ते जाओगे। तो गाइस, ये सारी चीज थी, मतलब वो सिर्फ आपसे पैसा ही वसूलता था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर, जिसका नाम गरीना फ्री फायर है, वो गेम एक दिन का कितना कमाता था? हाँ गाइस, वो पता है आपको, एक दिन में 7 करोड़ रुपए कमाता था फ्री फायर, जिसका नाम है गरीना फ्री फायर गेम। वो एक दिन में 7 करोड़ रुपए कमाता था, यानी कि महीने में 210 करोड़ रुपए। सोचिए गाइस, वो इतना सारा पैसा हमारे इंडिया से कमाता था और एक दिन में 7 करोड़ रुपए। तो गाइस बताइए, और उसके साथ साथ क्या होता था उस गेम से, जब भी इंसान उसमें, मतलब बच्चे लोग को तो पता ही नहीं है, आजकल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे हर मोबाइल में इंस्टॉल होता है। पापा का मोबाइल लिया, उस गेम से प्ले किया, पापा को थोड़ी पता है कि उसमें क्या हो रहा है। तो बच्चा क्या करता है, गेम अपग्रेड करने के लिए 40,000, 50,000, 10,000 जितना भी उसमें पैसा रखता है वो फटाफट अपग्रेड कर लेता है। पापा को तो पता ही नहीं, बाद में देखते भी पैसा गया, बच्चे को क्या कर लोगे आप तो खुद ही गेम खिला रहे हो। तो गाइस, वो सारी चीजें उस गेम से हो रही थी, बहुत सारे मीडिया में रिपोर्ट्स आते थे, फिर भी अवॉइड करते थे इन चीजों को कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज आपको पता है, आप उस न्यूज को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आप जान पाओगे कि गरीना फ्री फायर गेम को क्यों बैन करना पड़ा, क्यों चाइनीज एप्स में शामिल किया उस 54 एप्स में, तब जाकर उस गेम को बैन करना। गाइस, अच्छा हुआ कि उस एप्स को बैन कर दिया। मैं नहीं बोलता कि बैन किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइस इसलिए अच्छी बात है क्योंकि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस गेम से आज वो क्या कर रहे थे, मतलब कि जो माँ बाप होते पूरे जीवन भर की कमाई करते और खाते से बस चंद सेकंड में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता था उस गेम को, और बच्चा बस इस लालच में कि अपग्रेड होंगे, नए कपड़े आएंगे, नई कार्स आएंगे, नए गन्स आएंगे, नए नए अपग्रेड्स आएंगे, और मैं भी इस गेम में बहुत अच्छा प्ले करूंगा, बस उसका एक जुनून था, दिन रात उसी गेम में लगे रहते थे। मतलब इसमें जो भविष्य आगे का वो भी हमारा खराब हो रहा था। तो गाइस, इसी वजह से गृह मंत्रालय ने 54 एप्स को तो बैन किया ही क्या, उसमें अच्छा हुआ गरीना फ्री फायर गेम को भी बैन कर दिया। तो गाइस, ये जानकारी थी, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट में बताना, और आपको ऐसा लगता है कि भैया गलत हुआ बैन करके तो भी कमेंट में बताना। गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे नहीं होना था बैन, तो आप सर्च करो सबसे पहले गूगल पे आके कि भाई उसे क्यों बैन किया, कितनी लूट मची थी, एक दिन का पैसा कमाता है या नहीं कमाता है, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स है, वो झूठ नहीं बोलेंगी, तभी जाके जो भी डिसीजन हमारा जो गवर्नमेंट लेता है, गृह मंत्रालय लेता है, तब जाके लेता है। जब आम जनता पर इसका खतरा होने लगता है तो गृह मंत्रालय ऐसे एप्स को बैन कर देता है, जो कि उनका डिसीजन सही है, मैं उनके साथ हूँ। और गाइस, आप भी होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।